देश भर में ईद उल फितर बड़ी शान और शौकत से मनाई जा रही है। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में ईद के खास मौके पर बड़ी तादाद में नमाजियों ने नमाज अदा की। ईद की नमाज के बाद तमाम बाशिंदों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। बच्चे इस मौके पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। बड़े बुजुर्ग सभी अल्लाह ताला का शुक्रिया करते दिखाई दिए। दिल्ली के जामा मस्जिद से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल भी खुशी से झूम जाएगा। भाईचारे और एकता की मिसाल पेश करने वाले इस त्योहार को देश भर के मुसलमान भाई बहनों ने पूरी उत्साह और खुशी के साथ मनाया। ईद के मौके पर देश के कई हिस्सों में लोग मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली के जामा मस्जिद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां देते दिखे। इस बीच एक और खूबसूरत तस्वीर दिखी, जहां दो प्यारे से मासूम बच्चे एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। देश के कई हिस्सों में ईद का त्योहार पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में त्योहार की धूम है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद के मौके पर दिल्ली के कश्मीरी गेट के पंजा शरीफ दरगाह पर जाकर ईद की नमाज पढ़ी और ईद की मुबारकबाद भी दी। पूरे एक महीने तक लोग रोजा रखते हैं और रोजे के साथ साथ इबादत करते हैं, और ये महीना एक तरह से दुआओं का भी महीना है, दान का भी महीना है और दानिश वर्दी का भी महीना है। उसके साथ ही साथ जो है वो मेरा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसमें पूरी दुनिया के सभी मज़हबों के मानने वाले रहते हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, जितने भी दुनिया के मज़हब हैं, और हर मज़हब के मानने वालों का पर्व होता है, त्यौहार होता है और सब लोग मिलजुल करके मनाते हैं। तो मैं ईद के इस मौके पर पूरे सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और ये ईद हमें खुशहाली के साथ साथ मेरे मुल्क की तरक्की, मेरे मुल्क के तहफ़ुज़ और सुरक्षा मजबूत करे, इसकी दुआ है। बहुत बहुत आप सब मुबारकबाद ईद की। तो वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल फितर के मौके पर देश के नागरिकों को इसकी शुभकामनाएं दी। मुर्मू ने लिखा, एक और सद्भाव बढ़ाने वाला ये पर्व हमें क्षमा और दान करने की शिक्षा भी देता है। ईद गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करने और उनके साथ खुशियां बांटने का अवसर है। ये त्योहार हमें शांतिपूर्ण जीवन जीने और समाज की खुशहाली और समृद्धि के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने आगे अपने संदेश में कहा, आइए ईद के पवित्र त्योहार पर प्रेम, करुणा और परोपकार के मानवीय आदर्शों का प्रसार करें। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, ईद उल फितर की शुभकामनाएं, मैं कामना करता हूं कि अवसर करुणा, एकजुटता और शांति की भावना को फैलाए और सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। ईद मुबारक।